पाकिस्तान में भारतीय अधिकारियों को परेशान करने का एक और मामला सामने आया है। भारत ने पाकिस्तान को पत्र लिखकर इस बारे में अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में भारत के दो राजनयिकों को परेशान किया गया है। दोनों राजनयिकों को हिरासत में लेकर लाहौर के पास सच्चा सौदा गुरुद्वारा में बंद कर दिया गया था। खबर के अनुसार ये घटना 17 अप्रैल की है, जब दोनों भारतीय राजनयिक भारतीय सिख तीर्थयात्रियों की यात्रा की सुविधा देखने के लिए गुरुद्वारा गए थे। खबर के मुताबिक दोनों भारतीय राजनयिकों को करीब 20 मिनट तक कमरे में बंद रखा गया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उनके सामानों की जांच भी की। इसके बाद उन्हें गुरुद्वारे में भी कभी प्रवेश न करने की धमकी दी गई। पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों के साथ किए दुर्व्यवहार पर भारत ने आपत्ति जाहिर की है। बता दें कि पाकिस्तान ने ऐसी हरकत पहली बार नहीं की है। बीते साल नवंबर में पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों को ननकाना साहिब गुरुद्वारा में प्रवेश करने से रोक दिया था और इसी तरह राजनयिकों को सच्चा सौदा गुरुद्वारा में भी जाने से रोका गया। बता दें कि पाकिस्तान भारतीय राजनयिकों को परेशान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। बीते साल दिसंबर में तो भारतीय उच्चायोग के अधिकारी के घर पर तोड़फोड़ भी की गई और उनके घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की गई थी। हाल में ही भारतीय राजनयिकों के पीछा करने और उनके ऊपर नजर रखने की बात भी सामने आई थी, जब भारतीय राजनयिकों ने बताया था कि पाकिस्तान में कुछ लोग हर वक्त उनका पीछा कर रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की वेबसाइट और इंटरनेट को भी ब्लॉक या स्लो कर दिया जा रहा था, ताकि वीजा के लिए अप्लाई कर रहे पाकिस्तानियों को दिक्कत हो और वो प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करें। गौरतलब है कि हाल के दिनों में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त दबाव बनाए हुआ है, जिसके बौखलाहट में पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान इस समय पूरी दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे पर घिर चुका है। साथ ही पाकिस्तान के ऊपर टेरर फंडिंग के मामले में ब्लैकलिस्ट में डाले जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। हाल के दिनों में मोदी सरकार की कूटनीतिक प्रयासों के चलते आतंकी मसूद अजहर को भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया है और इस बात से भी पाकिस्तान काफी बौखलाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।